हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हेलो एवरीवन, मेरी आज की रेसिपी है तवा पुलाव। पाव भाजी वाले के पास मिलने वाला तवा पुलाव हम सभी को पसंद होता है। ये तवा पुलाव जो है वो पाव भाजी के तवे पर ही बनता है, इसीलिए इसको कहते हैं तवा पुलाव। ये जितना खाने में टेस्टी है उसे घर पे बनाना उतना ही आसान है। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। तवा पुलाव ऑयल में नहीं बल्कि बटर में बनता है। इसके लिए हम लेंगे बहुत सारा बटर। बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाने के बाद इसमें डालेंगे ये लंबी कटी हुई प्याज। प्याज को हमें बटर में पूरा नहीं बल्कि थोड़ा सा ही पकने देना है पहले। प्याज जब हल्की सी पक जाए तब हम इसमें डालेंगे ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। पेस्ट को हमें ऑनियन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमें इसमें डालना है कैप्सिकम और कैरेट। मिक्स करके हम इसमें डालेंगे ये 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इन सारी वेजिटेबल को कवर करके हमें अच्छी तरह से पकने देना है। ये हमारे वेजिटेबल अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये बहुत सारा टमाटर। तवा पुलाव में टमाटर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसीलिए हमें टमाटर ज़्यादा लेना है। यहाँ पे टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए इसके लिए हम इसमें डालेंगे ये थोड़ा सा नमक। नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने सारे वेजिटेबल्स कितनी मात्रा में ली है अगर आपको ये जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी देख सकते हैं। इसके बाद हमें इसे हल्के हाथों से प्रेस करके सारी वेजिटेबल्स को मैश कर लेना है। इसे थोड़ा थोड़ा ही मैश करना है, पाव भाजी की तरह पूरा मैश नहीं कर लेना है। इसके बाद डालेंगे हम इसमें मसाले। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, उसके बाद डालेंगे धनिया और जीरे का पाउडर, ये हल्दी पाउडर। हल्दी हमें ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़ी सी लेना है। इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट ये पाव भाजी मसाला। तवा पुलाव थोड़ा सा तीखा होता है तो हमें मिर्ची और मसाला बहुत थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना है, बहुत नहीं बल्कि थोड़ा ज़्यादा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये उबले हुए आलू और मटर। आप चाहे तो इसे मैश करके भी डाल सकते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट के बाद हम इसे ऐसे हल्के हाथों से सब्जियों की तरह ही थोड़ा थोड़ा सा मैश कर लेंगे आलू को, ताकि ये भी सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसमें डालेंगे ये 4 से 5 चम्मच जितना पानी। इसे मिक्स करके 2 मिनट बाद हमें इसमें डालना है ये उबले हुए चावल। चावल को परफेक्टली किस तरह से उबाले जाते हैं अगर ये आपको जानना है तो आप मेरी ऊपर वाली लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से सब्जियों के साथ। आप देख सकते हैं हमारा तवा पुलाव कितना बढ़िया लग रहा है अभी से ही। अब हम इसमें डालेंगे हमारा जो थोड़ा बाकी था वो नमक, क्योंकि नमक हमने पहले थोड़ा सा डाला हुआ है, और ये धनिया पत्ता, ये डाल के हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा टेस्टी सा तवा पुलाव तैयार है।